हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि वेडिंग सीजन चल रहा है और साथ साथ भाई ये ईयर एंड हो रहा है, न्यू ईयर आने वाला है, तो आज मैं आप लोग साथ शेयर करने जा रही हूँ एक साड़ी का रिव्यू जिसे मैंने ऑलरेडी पहना हुआ है, जैसा कि देख सकते हैं। और भाई वेडिंग्स भी चल रही है, तो वेडिंग्स के लिए भी आप इस साड़ी को कंसीडर कर सकते हो। और मैं इस साड़ी को आपको पहन के दिखाऊंगी, साथ साथ मैंने जो भी ज्वेलरी मैंने इसके साथ था मैंने स्टाइल किया है उसके बारे में भी मैं बताऊंगी, और मैंने किस तरह से इसके ब्लाउज का मैंने अरेंज किया है, साड़ी मैंने कहाँ से ली है, सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस साड़ी को देख लीजिए। ये साड़ी पूरी ब्लैक कलर की साड़ी है, उसके ऊपर सिल्वर का शुगन पूरा वर्क है, पूरी साड़ी में ही वर्क दिया हुआ है। अब दोस्तों बात करूँ इस साड़ी को, तो मैंने इस साड़ी को ऑफलाइन मार्केट से लिया था, जब मैं अपने नेटिव प्लेस में मैं गई हुई थी वहाँ से मैंने लिया हुआ था, और ये साड़ी मुझे 3000 के अराउंड पड़ी हुई थी। और दोस्तों, साड़ी पहनते पहनते ही मैं साड़ी का रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे देख सकते हैं मैं साड़ी को पहन रही हूँ। तो दोस्तों बात करूँ इस साड़ी की, तो इस साड़ी में मुझे मतलब मैं जिस शॉप पे गई थी वहाँ पे इन्होंने मुझे तीन से चार कलर मुझे दिखाया हुआ था, बट मैंने ये ब्लैक कलर लिया है, क्योंकि ब्लैक कलर जाहिर सी बात है भाई बहुत ज़्यादा मतलब मेरा फेवरेट है, काफ़ी यूनिवर्सल होता है, मुझे काफ़ी पसंद है। तो जैसा कि देख सकते हैं पूरी ही साड़ी पे पूरा एकदम वो शिवकेन का पूरा वर्क है, और इस तरह की साड़ियाँ पार्टी के लिए, वेडिंग के लिए तो बहुत ही परफेक्ट होती हैं भाई। नाइट में अगर इस तरह की कोई साड़ी पहन के हम जाते हैं तो जाहिर सी बात है इतनी ये ब्लिंगी ब्लिंगी होती हैं कि सबका एक बार ध्यान जरूर से जाता है। और बात करूँ इस साड़ी की, तो जो कलर है इसे स्टाइल करना बहुत ज़्यादा ईजी है। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि भाई जब मैं ऑफलाइन मार्केट से साड़ी को लिया है तो आपको क्यों दिखा रही हूँ, आप कैसे लोगे? जी हाँ, डेफिनेटली आपको ये साड़ी मिल जाएगी। मिंत्रा पे इस तरह की साड़ियाँ बहुत ईजिली अवेलेबल हैं, 3 से 4 हज़ार के अंडर में ये इस तरह की साड़ियाँ आपको मिल जाएंगी। मैं एक दो साड़ी का आपको लिंक भी दे दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों, ये सिक्वेंस साड़ी में भी दो तरह के सिक्वेंस वर्क आते हैं, एक तो जो वेलवेट पे आता है जिसमें मोटे मोटे सितारे बड़े बड़े लगे होते हैं, एक जो ये आता है जिसमें बहुत छोटे छोटे महीन महीन सितारों की पूरी वर्क होती है। तो ये वाला जो महीन वर्क वाला होता है, मोस्टली इसके पीछे जो कपड़े होते हैं वो थोड़े से स्ट्रेची कपड़े होते हैं, मतलब हौजरी टाइप के कपड़े होते हैं, थोड़े खींचते हैं, इस तरह के कपड़ों पे वर्क होता है जो कि अच्छा लगता है, काफ़ी लाइट वेट होता है, थोड़ा स्मार्ट लगता है, मतलब थोड़ी सी एक अच्छी बड़ी फील, मतलब कि चीप फीलिंग नहीं आती है, कुछ इस तरह का ये फैब्रिक होता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे पास इस तरह की एक दो साड़ियाँ और भी हैं, मतलब कि एक तो मैंने आप लोग के साथ पिंक कलर की शिवकन वर्क में साड़ी मैंने शेयर किया हुआ है, जैसा कि सामने आप इमेज में देख सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो साड़ी मैंने ऑलमोस्ट हाफ मैंने साड़ी पहन लिया है, और मैं किस तरह से साड़ी पहनती हूँ आप देख सकते हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके ब्लाउज की। दोस्तों, इसके साथ जो ब्लाउज था सेम, जो साड़ी का जो फैब्रिक है सेम मुझे वैसे ही ब्लाउज मिला हुआ था, जो कि मुझे थोड़ा सा मुझे मज़ा नहीं आया, क्योंकि सेम सिक्वेंस वर्क का ब्लाउज सेम साड़ी, तो थोड़ा सा मुझे कंट्रास्ट कुछ डिफरेंट दिखाना था। और सबसे बड़ी बात है कि अगर एक चीज़ आपका ब्लिंगी है तो दूसरी चीज़ को थोड़ा सा सिंपल रखना होता है। अगर आपकी साड़ी बहुत ज़्यादा हैवी है तो आप ब्लाउज हल्का रखिए, ब्लाउज थोड़ा सिंपल रखिए। अगर आपका ब्लाउज हैवी है तो साड़ी सिंपल रखिए। तो यहाँ पर बात करूँ इस ब्लाउज की, तो मैंने साड़ी का ब्लाउज मैंने बिल्कुल स्टिच नहीं कराया, उसकी जगह पर मैं काफ़ी दिनों सर्च कर रही थी। ये मैंने पहले ही प्लान बना लिया था कि मैं थोड़ा मैं ब्लाउज ब्लैक कलर का प्लेन कपड़े में ही करना है, थोड़ा सा मुझे कुछ उसमें स्लीव वगैरह स्टाइल में करना है। तो रिसेंटली मैं सर्च कर रही थी तो मुझे मिंत्रा पे ये टॉप दिखा, मुझे जैसा कि सामने देख सकते हो, तो मुझे बहुत ही परफेक्ट लगा। मतलब इसका जो बाही था बहुत ही, उसके ऊपर एक फ्रिल दिया था, एक साइड एक तरफ स्लीव लेस था, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और मैंने इसे मंगाया। बहुत ही परफेक्ट फिटिंग आया, बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही अच्छा लगा, जैसा कि अभी आप सामने देख रहे हो। अभी फिलहाल मैं आप लोग को ज्वेलरी दिखा रही हूँ, इसके साथ मैं ज्वेलरी स्टाइल कर रही हूँ, एडी नग की जो ज्वेलरी होती है उसे मैं स्टाइल कर रही हूँ। चोकर नेकलेस भी सेम एडी नग वाला ही मेरा नेकलेस है, जिसमें बहुत महीन महीन नग लगे हुए हैं सिल्वर के, और सेम मैचिंग का मैं ईयरिंग्स पहन रही हूँ, इसे मैंने मिंत्रा से लिया हुआ है। और दोस्तों, इस तरह की सिक्वेंस साड़ियाँ में जो एडी नग वाली ज्वेलरी होती है बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है, क्योंकि बहुत हैवी हैवी ऐसा कुछ बड़ा हमको नेकलेस नहीं पहनना होता है, क्योंकि साड़ी हमारी ऑलरेडी इतनी ज़्यादा मतलब कि हैवी एक लुक होता है साड़ी का, कि बहुत हैवी ज्वेलरी की जरूरत नहीं होती है, साड़ी ही पूरा कंप्लीट कर देती है, साड़ी हमारी इतनी ब्लिंगी होती है, ज्वेलरी हमें बहुत मिनिमल रखना होता है। और कुछ इस तरह की ज्वेलरी ही इस तरह की साड़ी पे अच्छी लगती है, जैसा कि मैं सामने अभी आपको पहन के दिखा रही हूँ। मेरी जो ईयर रिंग है सिल्वर ऑक्सीडाइज रिंग है, एडी नग में मुझे चाहिए था, फिलहाल मेरे पास था नहीं, इसलिए मैं
दूसरी मैं पहन रही हूँ, और सेम एडी नग वाला ही ये ब्रेसलेट भी है जिसे मैं पहन रही हूँ। और मेरे पास ये वेलवेट की बैंगल थी, बैंगल थोड़ी सी आजकल वेलवेट वाली बैंगल मैंने रिसेंटली मैंने एक वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ था, बहुत ट्रेंड में है, काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा भी लगता है, बहुत रॉयल, बहुत सुंदर लगती है। उसके पीछे मैंने 4 कंगन लगाए हुए हैं जो कि पर्ल वाले हैं, तो कुछ इस तरह का मेरा बैंगल का सेट है। और बात करूँ हेयर स्टाइल की, भाई तो हेयर स्टाइल तो मुझे बहुत दोस्तों नहीं आती है, सिंपली मैं बाल को यहाँ खुले रख रही हूँ। और दोस्तों बात करूँ मेरी पूरे मेकअप की, तो मेकअप पर जल्दी मैं जो मेरा पूरा मेकअप लुक है उसे भी मैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि सर से मैंने पार्टी वियर वाला मैंने मेकअप किया हुआ है। फिलहाल यहाँ मैं साड़ी और ज्वेलरी का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट मेरा साड़ी और ज्वेलरी और मेरा जो हेयर स्टाइल था वो डन हो चुका है, जैसा कि सामने पूरा देख सकते हो। तो दोस्तों कुछ इस तरह की ये साड़ी है, कुछ इस तरह से मैंने साड़ी को लिया हुआ था। और मैंने ब्लाउज का अरेंज किया, ब्लाउज देख सकते हो कितना परफेक्ट, मुझे बहुत ही ब्लाउज मुझे काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। एक तरफ से ये टॉप है, आई थिंक सी वाइस एस फराज कुछ ऐसे ब्रांड का नाम है, मिंत्रा पे अवेलेबल है, इसी ब्रांड का ये ब्लाउज है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इसमें बहुत सारे कलर थे। एक तरफ स्लीवलेस है, तो आपकी साड़ी का जो पल्लू है उसे लेने में बहुत ईजी हो गया, मुझे बिल्कुल साड़ी का मतलब फुला फुला मुझे पल्लू नहीं लग रहा था। और एक तरफ पूरा फ्रिल है जो कि मुझे एक तरफ वो दिखाना ही होता है हमें, तो कुछ इस तरह का पूरा लुक आया जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और साड़ी पूरा भाई आप देख ही रहे हो कितना ज़्यादा चमक रही है, और पार्टी वियर के लिए तो इस तरह की जो साड़ियाँ होती बहुत परफेक्ट होती हैं। आने वाले न्यू ईयर पे भाई ये कुछ इस तरह की आप साड़ी ट्राई करिए, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे लगने वाले हो। वेडिंग्स हैं तो उस पर भी ट्राई करिए, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, बहुत ज़्यादा आपकी आपको ज्वेलरी की भी ज़रूरत नहीं है, ये साड़ी अपने आप में ही इतनी इतनी क्लासी, इतनी ज़्यादा सुंदर लगती है साड़ियाँ कि भाई पूरा टेंशन तो एक बार आपकी तरफ चला ही जाता है, क्योंकि इतना ये नाइट में स्पेशली इतना ज़्यादा ब्लिंगी होती हैं साड़ियाँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। इधर एक दो साल से काफ़ी ज़्यादा सीक्वेंस वाली साड़ियाँ ट्रेंड में भी हैं, अभी भी ट्रेंड में हैं। और सीक्वेंस में ही जो ये महीन जो सितारे वाली सीक्वेंस वाली साड़ी आती है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। ये थोड़ी सी मतलब कि क्योंकि जो वेलवेट वाले जो सितारे वाले जो सीक्वेंस वाले जो फैब्रिक हैं काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कि जैसा कि आप भी देख रहे होगे इतने ज़्यादा वो मार्केट में मिल रहे हैं कि काफ़ी अब चीप लगने लग गए हैं, उतना मतलब मज़ा नहीं आता है। ब्लिंगी तो लगता है, पार्टी लुक मिल जाता है, बट थोड़े से वो चीप दिखते हैं बस। बट ये वाले जो सीक्वेंस वर्क होते हैं जो महीन महीन होते हैं, ये थोड़े से मतलब एक अच्छी बढ़िया एक्सपेंसिव वाली फीलिंग आती है। और भाई एक्सपेंसिव साड़ी आती भी हैं, ये वाला जो फैब्रिक होता है, ये साड़ियाँ आपको 3000 के ऊपर ही मिलेंगी, उसके नीचे साड़ी नहीं मिलेगी। अगर आप मिंत्रा पे देखोगे सेल वगैरह में बहुत सारी, तो इस तरह की सेम फैब्रिक साड़ियाँ आपको 5-6 हज़ार है उससे भी महंगी भी साड़ियाँ मिलती हैं। तो दोस्तों यहाँ मेरा पार्टी वाला लुक जो है पूरा रेडी हो चुका है, आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। और भाई आने वाले न्यू ईयर में वेडिंग्स में ये वाली साड़ी आप ट्राई करिए, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मेरे पास मैंने ब्लैक कलर का लिया, आप दूसरे कलर में भी ले सकते हो, दूसरे डिजाइन में भी ले सकते हो। और बट ओवरऑल ये जो सीक्वेंस वर्क है ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, वेडिंग के लिए पार्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा एकदम परफेक्ट लुक है। और इस तरह की साड़ियाँ दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इस तरह से ओपन बल्लू में ही आप लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें अगर आप मतलब कि अगर पल्लू मतलब मोड़ के अगर साड़ियाँ अगर लेते हो पूरा पिन लगा के, तो ये थोड़े मतलब कंफर्ट नहीं रहता, थोड़ी फुली फुली आती हैं और उतना अच्छा भी नहीं दिखता, थोड़ी हैवी भी होती हैं। तो अगर आप ऐसे ओपन पल्लू में लोगे तो ज़्यादा अच्छा लुक आता है और काफ़ी कम्फर्ट भी लगता है। तो कुछ इस तरह की मेरी ये साड़ी है दोस्तों, आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और भाई अगर वेडिंग्स के लिए भी कुछ आप ढूंढ रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो 100% कुछ इस तरह की सीक्वेंस वाली साड़ियाँ आप ले सकते हो, ऑफलाइन मार्केट में भी जाके ले सकते हो, मिलता है, ऑनलाइन ले सकते हो, अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है, सभी जगह अवेलेबल है, आपके जो भी बजट हो अपने बजट के अकॉर्डिंग आप दे सकते हो। मेरा ब्लाउज भी देख सकते हो कितना परफेक्ट है, कितना बढ़िया एकदम परफेक्ट इस साड़ी के साथ मैच हुआ, एक हैवी है, एक हैवी लुक दे रहा है, एक थोड़ा सिंपल है, कुछ इस तरह का ही जो कॉम्बिनेशन होता है वो परफेक्ट होता है। तो यहाँ पे मेरा ब्लाउज जो है वो प्लेन है, साड़ी हैवी है, तो पूरा कॉम्बिनेशन देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ब्लैक तो भाई मेरा फेवरेट है, ब्लैक मेरे पास बहुत सारे मेरे पास आउटफिट हैं, तो उनमें एक ये साड़ी भी ऐड हो गई है। तो दोस्तों मेरा पूरा लुक आपको कैसा लगा, ये वेडिंग वाला पार्टी वाला लुक भाई न्यू ईयर पे, तो मैं इसे पहनने वाली हूँ, मैं स्टाइल करने वाली हूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों रिसेंटली मैंने आप लोग के साथ एक और रेडी टू वियर साड़ी का रिव्यू शेयर किया था, जैसा कि सामने आप देख सकते हो, इसे भी मैंने मिंत्रा से लिया हुआ था। ये साड़ी भी अगर आप जरूर चेकआउट कर सकते हो, अगर आपके घर में वेडिंग है, वेडिंग के लिए कुछ डिफरेंट साड़ी अगर आप ट्राई करना चाहते हो, तो ये साड़ी भी बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी।
अच्छी साड़ी है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है, बहुत ही अलग एकदम लुक मिलने वाला है आपको। और दोस्तों यहाँ तक अगर आप वीडियो में बने हुए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को मैं सब्सक्राइब भी करिएगा। आपके लाइक सब्सक्राइब से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आगे और भी अच्छा काम करने के लिए। तो दोस्तों ये साड़ी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो भाई बहुत पसंद आई, न्यू ईयर पे मैं इसे ज़रूर पहनने वाली हूँ। दोस्तों ये रही मेरी आज की वीडियो, आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, वीडियो काम की रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे आगे के और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फैशन और ब्यूटी से रिलेटेड कॉन्टेंट मैं चैनल पर डालती रहती हूँ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड एडवांस में आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर।